एवरी फ्राइडे को वीकली अपडेट आता है ईयू का, और इस बार भी आया है और मैं ईयू का है जो फुल डेडिकेटेड वीडियो फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ। और ये है मेरे पास K20 Pro Poco X2 और इधर है ये Mi 11X, बट अभी इसका बूट और अनलॉक होने में थोड़ा टाइम है, तो जैसे ही अनलॉक हो जाएगा इस पर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक डिवाइस की वजह से या बाकी Xiaomi के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एवरी फ्राइडे जो कुछ भी अपडेट आता है और बाकी जो न्यूज़ वगैरह आते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे वीडियो देता रहता हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन की कि क्या कुछ इस बार हमें देखने को मिलता है नया। और पिछला जो ईयू का अपडेट था उसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया था, कुछ बिजी होने के वजह से, कुछ काम ज़्यादा आ गए थे जिसकी वजह से, बट मैं आपको बता दूँ कि पिछले वाले में क्या कुछ था और इस बार भी क्या कुछ देखने को मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में सेम MIUI का वर्जन देखने को मिलता है और दोनों में सेम चेंज किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही डिवाइस के ऊपर शो करता जाऊँगा और जो डिफरेंट रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUI का 12.6/EU 21.6.2, जो कि कुछ कुछ डिवाइसेज के लिए 6.3 भी आया है अपडेट। साथ साथ आपको सभी डिवाइसेज के अंदर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा जो कि 2021.5.1 का है। और बैक की ओर चलते हैं तो आपको वही सारे कूल से एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि हर बार देखने को मिल जाता है, जिनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और ऑलवेज ऑन के अंदर वही ऑलवेज ऑन वाले क्लॉक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या है नया, तो एक नज़र हम डालते हैं अपने चेंजलॉग के ऊपर और देखते हैं कि चेंजलॉग में आखिर क्या मेंशन किया गया है। तो जो भी डिवाइस है आपके ऊपर सभी में चेंजलॉग आपको सेम देखने को मिलने वाला है, चेंजलॉग में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, बट चेंजलॉग के अनुसार जो कुछ भी डिवाइस का नेम मेंशन है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो दोनों में आप देख पाए कि अपडेटर में 12.6 लिखा हुआ मिल जाता है और दोनों में आपको सेम चेंज लोग ही दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट में लिखा गया है सिस्टम के बारे में कि अगर आपका L1 शो नहीं कर रहा है MI 9 MI 9T Pro K20 Pro के अंदर, तो आप इसे फिक्स कर सकते हो। बस उसके लिए क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना है और फिंगरप्रिंट के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट सेट कर लिया, ठीक है। फिंगरप्रिंट सेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिंगरप्रिंट पेमेंट, इस पे आना है। यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट मिलेगा, अगर शो नहीं हो रहा है तो इस पे आपको टैप करना है और इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो L1 नहीं था ना वो वापस आ जाएगा। अभी फिलहाल कूडर डाउनलोड दिखाई दे रहा है, सर्वर इशू है, तो इसकी वजह से अगर आपका L1 का इशू था तो वो फिक्स हो जाएगा, जो कि काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा है डिवाइसेज के अंदर। बट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने इस नए रोम को डाला है तो मुझे L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और बाकी तो जितने भी डिवाइसेज है उन सभी में भी L1 का सपोर्ट मिलता है। तो आप EU के इस वीकली अपडेट को किसी भी डिवाइस के अंदर डालोगे तो अगर L1 का सपोर्ट ऑफिशियली मिला हुआ है तो आपको देखने को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। नेक्स्ट चेंज लॉग में लिखा गया है कि जो ओके गूगल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था K40 Pro प्लस Mi 11i डिवाइस के अंदर, यानी इन तीनों चारों डिवाइस में से कोई एक डिवाइस के आप यूजर्स थे तो उसमें ओके गूगल का प्रॉब्लम था, वो फिक्स कर दिया गया है EU की तरफ से। तो अब यहाँ पे आप यूज कर पाओगे और स्लाइडिंग पे जो हमारा ओके गूगल वगैरह काम करता है ये भी अब आपको है जो वर्किंग देखने को मिलेगा, तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और नया सेटिंग के अंदर प्रॉब्लम था जो कि फिक्स किया गया है, जो कि नो ऑप्शन मेन्यू इन अकाउंट सिंक सेटिंग एंड APN एडिटर। तो अगर हम आते हैं अपने सेटिंग की ओर और उसके बाद आपको नीचे मिलता है गूगल का अकाउंट जहाँ पे आप देख सकते हो ऐड अकाउंट वगैरह है, तो इसमें प्रॉब्लम था तो वो फिक्स कर दिया गया है। तब आप जितना चाहो उतना ऐड कर पाओगे, आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। साथ साथ हमारा जो गैलरी है ये नया हो चुका है और इस गैलरी का अपडेट पिछले ही वीक आ गया था, बट EU के अंदर ऐड नहीं किया गया और इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था कि इस नए फीचर्स को आप कैसे नॉर्मल ग्लोबल स्टेबल ऑफिशियल रोम के अंदर यूज कर पाओगे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक जरूर कर लेना। तो रही बात नए फीचर्स की, तो आप देखोगे कि जैसे मैं अपने गैलरी को ओपन करता हूँ, चाहे मेरे पास कोई भी डिवाइस हो बस लेटेस्ट EU पे रन करना चाहिए, नीचे आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा और कैमरा का। तो कैमरे पर टैप करते हैं जो भी आपने कैमरे से क्लिक किया है वो फोटोज नज़र आएंगे, जो कि मैंने नहीं क्लिक किया है तो नहीं नज़र आ रहे हैं। और ऑल पे जितने भी फोटोज आपके फ़ोन के अंदर सब कुछ नज़र आएगा, लेकिन इसका एक बग है जो कि उम्मीद करता हूँ कि जल्दी फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने अभी एक थीम डाउनलोड कर रखा है और अप्लाई कर रखा है, तो थीम के जितने भी PNG वगैरह फाइल्स हैं, जितने भी फोटोज इमेजेज हैं, वो सब कुछ यहाँ पे गैलरी में शो हो रहा है, जबकि ये हिडन फोल्डर के अंदर रहता है, ये बाहर निकल के नहीं आता है। बट इस गैलरी में इस ऑल के ऑप्शन ने सभी फोटोज को बाहर लेके आ गया है, जो कि गलत है। फोटोज का मतलब वही है कि जो हम शो कर सकते हैं, देखना चाहते हैं वही यहाँ पे हो, ऐसा नहीं है कि जो हिडन फोल्डर में हो वो भी सामने निकल के आ जाए। जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा हिडन में रहता है, म्यूजिक प्लेयर में शो नहीं करता है, अगर वो शो करने लग जाए तो भाई दिक्कत हो जाता है बहुत ज़्यादा।
तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इस गैलरी के अंदर, जो कि ऑल टैब पे नजर आ रहा है, जो कि सभी डिवाइसेज के अंदर ये इशू है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट ईयू का अपडेट आएगा ना, या फिर जो चाइना बीटेक आएगा, उसमें ये इशू को फिक्स कर दिया जाएगा, ताकि जो गैलरी के अंदर रियली में मेमोरी कार्ड में जो फोटोज है वही नजर आए, जो हिडन फोटो है वो नजर ना आए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी है, स्टिल आप देख सकते हो कई सारे जो वॉलपेपर इस रोम के साथ इंक्लूड रहते हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जबकि अगर मैं फोन में कहीं पे भी फाइंड आउट करूँ तो ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये हिडन होते हैं, बट यहाँ पे ये इशू हमें देखने को मिल जाता है। आगे आते हैं चिन्ह लॉक के ऊपर, तो आप देखो कैलेंडर के अंदर एक बग था जो कि सनसेट और सनराइजिंग से रिलेटेड था, कि टाइमिंग है जो गलत शो कर रहा था। तो आपको पता नहीं होगा अगर आपने पहले वाला ईयू का वीडियो नहीं वॉच किया है तो, क्योंकि पिछले वाले अपडेट के अंदर दो नए इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया था जिसकी वजह से ये बग आया है और इस बार इसे फिक्स किया गया है। तो अगर हम आते हैं अपने डिस्प्ले के अंदर, उसके बाद जाते हैं यहाँ पे डार्क के ऑप्शन के ऊपर शेड्यूल पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सनसेट टू राइज का एक नया ऑप्शन, जबकि पहले सिर्फ और सिर्फ कस्टम ही था। तो ये जो फीचर्स है ये पहले कस्टम रोम में आता था, बट अब हमें ऑफिशियली ईयू की तरफ से देखने को मिल गया है, जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और आपका फोन डार्क में जाएगा या फिर लाइट में स्विच हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि पिछले ईयू के अपडेट में ऐड किया गया था, और इससे रिलेटेड बग आ गया था कैलेंडर में जो कि इस बार फिक्स किया गया है। और एक और नया चेंज प्रोवाइड किया गया था वो है हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिवाइस के अंदर, यानी आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करोगे तो यहाँ पे पॉपअप देखने को मिलेगा जिस पे टाइप करते ही डायरेक्ट हमारा गैलरी ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम वीडियो क्लिप वगैरह देख सकते हैं, और सेटिंग आइकन पर टाइप करते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से हम कटआउट भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है और काफ़ी इम्प्रूव्ड फीचर्स है जो कि पिछले अपडेट में ऐड कर दिया गया था। तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रॉब्लम था फिक्स हो चुका है। और ऐप्स के अंदर आपको मिलता है ड्यूल मोड, जहाँ पे आप जैसे ओपन करोगे एक वार्निंग देखने को मिलेगा, जो कि पिछले अपडेट में ही आ चुका था, जो कि शायद आपने मिस किया होगा। तो बता दूं मैं कि अब से आप ड्यूल मोड अगर यूज करते हो, ड्यूल ऐप्स यूज करते हो, तो ड्यूल ऐप्स के जितने भी एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फोटोज को और वीडियोज को ही एक्सेस कर पाएंगे, बाकी ऑल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बग नहीं है, एक नया पॉलिसी है हमारे एंड्रॉयड 11 का, जो कि इस बार से अप्लाई हो गया है। तब आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा अगर आप ड्यूल एप्लीकेशंस वगैरह ज़्यादा यूज करते हो तो। साथ साथ यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर है जो रिस्ट्रिक्ट करने का एक नया ऑप्शन आ गया है विजुअल आईडी का। तो अगर हम आते हैं अपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा है जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, इसके बाद प्रोटेक्शन है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है प्राइवेट मास्क और यहाँ पे आईडी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको एक रिसेट का ऑप्शन मिल रहा है, एक और ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप उसे बाहर निकाल सकते हो और इन कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अब आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप जो ऐड और एग्जिट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है कि और कुछ भी चेंज है जो किया गया है, जो कि चिन्ह लॉक में हमने मेंशन नहीं किया है, तो आप फाइंड आउट करो। तो थोड़े बहुत चेंज मैंने नोटिस किए हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आते हैं होम स्क्रीन पे। मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था कि जब भी हम अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करते हैं तो हमारा डायलर क्लोज होता है, और जब डायलर को क्लोज करते हैं तो डायलर ही क्लोज होता है। बट इस बार आप देखोगे कि हमारा कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही अलग हो चुका है और हमारा डायलर है जो फिर से अलग हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट से सिर्फ कॉन्टैक्ट ही आता है और डायलर से हमारा सिर्फ और सिर्फ डायलर ही आता है। तो दोनों को इस बार बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। तो पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, फ्री में जब टाइम मिलता है ना तो ये सब कांड करते हैं, कभी डायलर और कॉन्टैक्ट को अलग कर देते हैं तो कभी दोनों को एक साथ है जो मर्ज कर देते हैं। तो इस बार फिर से ये अलग हो चुका है। तो ये कोई बिग इशू नहीं है, ना ही कोई बिग इंप्रूवमेंट है, बट पहले ऐड था अब अलग हो चुका है। ऐप वैलेट में नया एनिमेशन देखने को मिला था वो फिर से हटा दिया गया है। और अगर आपको ये थीम पसंद आ रहा है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ और आप चाहते हो, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाइना थीम स्टोर पे ही ये काम करेगा, किसी और पे काम नहीं करने वाला है। और मैंने दोनों के अंदर गेमिंग कर रखा है और मुझे गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बाकी अदर डिटेल्स वगैरह जो शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस रोम को फ्लैश कर लो किसी भी डिवाइस के अंदर, तो डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सभी डिवाइस के अंदर आपको L1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये रहे CPU के क्लॉक्स, जो कि आपको अलग अलग डिवाइसेज में अलग अलग देखने को मिलेगा। साथ साथ ये रहा Geekbench 5 का स्कोर, जो कि K20 और यहाँ पे Poco X2 का आप देख सकते हो, सिंगल और मल्टी का। और यहाँ पे ये रहा Antutu, जो कि मैंने 9.0.8 यूज किया है दोनों के अंदर, और काफ़ी अच्छा खासा इस बार रिजल्ट देखने को मिला है, जबकि पिछले वाले अपडेट में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट इस बार इम्प्रूव्ड है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप देख सकते हो 3.2% यहाँ पे हीटिंग गेन किया है, यहाँ पे 0.7, यानी इसका जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी मैनेज कर पाता है, जबकि K20 Pro में उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता।
वहीं पे आगे की ओर बढ़ते हैं तो सीपीयू थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा सुपर है क्योंकि यहाँ पे 91% का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और K20 Pro जिसका भाई प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और इसका रिजल्ट हमें 73 देखने को मिलता है। तो इसे पूरा है जो सैमसंग ने ठान लिया है कि बिल्कुल ही कचरा बना देना है, बेकार बना देना है, ताकि इसे यूजर हटा के मी 11X या बाय की अदर कोई नए डिवाइस बाय करे, जबकि पोको X2 काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है अभी भी। आगे की ओर आते हैं तो आप देख सकते हो दोनों मैंने गेम प्ले किया है, दोनों के मैक्स सेटिंग पे है जो यहाँ पे रन कर जाता है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आया गेमिंग के लिए और मुझे काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। तो मैंने यहाँ पे कई सारे गेम प्ले किए और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है और बाकी जितने भी फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गए हैं तो आप है जो कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के हर एक अपडेट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट। और एक और मेरा सेकेंड चैनल है जिस पे आपको कभी कभी काफ़ी अच्छे खासे वीडियोज मिलेंगे, तो आप इंटरेस्टेड हो तो उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।